भूत प्रेत पिशाच जो कुछ भी है इस पेड़े के ऊपर बांधत है, वे जो है ठीक हो जात। जिसके ते रोग हो वे रोग ठीक हो जात। जो मुकदमाबाजी चल रही हो सो ठीक हो रहो, और जिसके शरीर में कलाएं है कलेश है वो भी ठीक हो रहो। हम हनुमान जी के पीछे होके झाड़ रहे, और जिसको जो जाज हो वो हम पूरे माने झाड़ रहे थे, हनुमान जी के पास ही तो आराम लगत जा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश के सागर जिले की शाहगढ़ जनपद का ग्राम बरगुआ का श्री श्री 1008 मनसा पूरण हनुमान जी महाराज का मंदिर इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश सहित अन्य दूर दराज के देश के कोने कोने में चर्चित होकर जनमानस में धार्मिक आस्था का केंद्र बन चुका है। आज यहाँ मंगलवार को मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर समिति ने बताया कि आज सुबह 9 बजे से ही पंडित रामेश्वर तिवारी एवं श्री मुलायम सिंह बुंदेला द्वारा उपस्थित लोगों की पर्ची के माध्यम से अर्जी लगाते हुए दरबार लगाया गया है, जहां पर अनेक धार्मिक आयोजन, भजन कीर्तन, सुंदरकांड पाठ के साथ हनुमान जी महाराज की विशेष पूजा अर्चना व भंडारा किया गया है। वहीं अर्जी लगाने वाले पंडित रामेश्वर तिवारी व मुलायम सिंह बुंदेला ने बताया कि श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से यह पुण्य परोपकारी कार्य हर मंगलवार को जारी रहेगा। कहां से आई है? नाक में फुड़िया है, भीतर आराम नहीं लगा दवाई से। झड़वाओ है, जाओ तो झड़वाओ, दवाई लो और 3 मंगल आओ ठीक हो जाए। शादी नहीं हो रही, शादी करने हैं। चलो ठीक है, अगले मंगलवार को आइयो, शादी तय हो जाए। बच्ची है, लड़का नहीं है। क्या बच्ची है? एक बच्ची, लड़का एक और नहीं है। जाने हैं, कहाँ से आए? बटवाए से। ठीक है, अगले मंगलवार को आइयो, तुम्हारी सुनाई हुई है 3 परिक्रमा लगाओ। हनुमान जी महाराज की जय, बरगवा सरकार की जय। हनुमान जी महाराज जो है का 1-8 दिन हो गए जब प्रादुर्भाव भाव स्वयं मनु है, स्वयं प्रकट भय।
और उन्हीं हनुमान जी महाराज की कृपा से हमें आदेश मिलो कि मंगलवार को अर्जी लगाएं। तो मंगलवार को जो आज अर्जी लगी है, इसमें करीबन करीबन 8-10 हजार आदमी आए, जिसमें से 4-5 हजार की अर्जी लगी, जिनमें से 500-600-700-800 आदमी के करीब इतने जो है उनकी समस्याएं पूरी भई हैं। भूत प्रेत पिशाच जो कुछ भी है इस पेड़े के ऊपर बांधत हैं, वे जो है ठीक हो जात, जिसके ते रोग हो वे रोग ठीक हो जात, जो मुकदमाबाजी चल रही हो सो ठीक हो रहो, और जिसके शरीर में कलाएं है कलेश है वो भी ठीक हो रहो। और हनुमान जी महाराज की केवल दर्शन मात्र से ही और अर्जी लगा भी इससे जो है हनुमान जी महाराज सबकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अर्जी लगाई जा रही 9 बजे से शाम 5 बजे तक। हाँ, अर्जी लगाने की प्रक्रिया कैसी है? अर्जी लगाने के लाने एक नारियल ले आन करके और सामने रखा थे, और सामने जो आदमी बैठा थे उसको जो है अपन शंका समाधान उसकी पूरी करते थे, और अपने आप जो है परमात्मा। अर्जी मंगलवार को लगेगी? अर्जी केवल मंगलवार को लगेगी, आदेश है। हनुमान जी महाराज ने हमें जो है अपने जो है बैठे बैठे रामायण का पाठ करत भय और अपने आप हमारे शरीर में जो है प्रेरणा आई कि आप अर्जी लगाएं, और आप अर्जी लगाएं मनोकामना पूरी होगी। यहाँ में यहाँ पर परशुराम पांडे जी हैं, हमारे दाऊ राजा हैं, जो जिनके सामने जो है ये सब नजीरे भाई हैं। यहाँ हमारे यहाँ सचिन तिवारी हैं, नाथूराम प्यासी हैं, और हमारे समस्त नगरवासी इनके रख रखाव में और जो हनुमान जी महाराज की अर्जियां लगाई जा रही। जैसे कुछ बाहर से दूर जाते हैं लोग, फोन पे फोन के माध्यम से ही अर्जी उनकी लग जाएगी? नहीं, अभी फोन पे माध्यम से नहीं लगे, यहाँ दर्शन करना पड़ेगा और फिर इसके बाद में जैसो फिर आदेश करे। अब तो जो है इतना ही दर्शन करने आए, उनने जे कहा है कि इतना ही दर्शन करो, परिक्रमा लगाओ, आपकी मनोकामना पूरी हो। हनुमान जी के भक्तों को कोई संदेश देना चाहते हैं आप? हनुमान जी महाराज के भक्तों के लाने यही संदेश है कि हनुमान जी महाराज स्वयं प्रकट भए, इसलिए जो है सब लोग आन करके दर्शन करें, दर्शन करें, और सबसे यही प्रार्थना है कि सब लोग शांति बनाए। जिसके यहाँ भूत प्रेत पिशाच की ज्यादा बाधा होवे वो स्वयं जरूर आए, और वो जो है जैसे ही इस पेड़े के ऊपर चिपकत है वैसे ही ठीक हो जाते। स्थान काफी बदलाव पिछड़ा हुआ है, लोगों की जानकारी भी नहीं है, तो ऐसे नंबर मोबाइल नंबर जिनसे भक्तों को संपर्क किया? हाँ, मोबाइल नंबर है 99-26-92-55-87 आपका है? हाँ, इस पे लोग संपर्क कर सकते हैं? इस पे संपर्क कर सकते हैं, 99-26-92-55-87 इससे संपर्क कर सकते हैं। और अगर जो है ज्यादा परेशानी है तो वे कान में लगा दो जाए तो ठीक भी हो सकते हैं, कान में लगा दें यहाँ से और मंत्र फूंक दें तो वहाँ ठीक भी हो सकते हैं। रामेश्वर महाराज आज भी लगाए, हम हनुमान जी के पीछे होके झाड़ रहे, और जिसको जो दर्द हो वो हम पूरे माने झाड़ रहे, तो हनुमान जी उसके पास ही बहुत आराम लगा जा रहा है। ऐसे 50 अंक आदमी सामने आ गए जो झड़ झड़ाते हमें मिट गए। हनुमान जी ने किस रूप में आके प्रेरणा दी कि ऐसा करो? वो लाल बंदर के रूप में, बंदर के रूप में आए, मंदिर में प्रवेश हो गए, इसके बाद 6 इंच की मूर्ति बनी। अब वो मूर्ति बढ़ते हो गए ये कम से कम 1.5 फुट ऊपर, हमने झाड़ हुए 1000 से ऊपर ही हुई है, कम नहीं। आराम मिला है लोगों को? आराम मिला है, 101% मिला है, माने खुद बताओ जाए तो मिला। ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला अर्जी लगाने का हर मंगलवार को शनिवार को, शनिवार को भी? हाँ, मंगल की अर्जी खुलेगी शनिवार को, और शनिवार को फैसला होगा, अगले मंगल की फिर शनिवार को फैसला।
मंगल को आज लगेगी, सोमवार को फैसला होगा।